नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यान्वित होने वाली योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में श्रम संसाधन विभाग के सचिव मिहिर कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत विभाग से जुड़ी योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, नए कोर्सेज ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराना, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन की स्थापना, सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाना तथा विभाग द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बिहार में कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें धान खरीदारी के लिए बड़ी राशि दी गई। इसके साथ ही एसएफसी को 6000 करोड़ की राशि दी गई। कैबिनेट ने 3500 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी के लिए भी राशि मंजूर की। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि उड़ीसा में बिहार सरकार की तरफ से बिहार भवन बनाया जाएगा, जिसका लाभ उड़ीसा में रह रहे बिहारी उठा सकेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार भवन तकरीबन आधे एकड़ में बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा कि बिहार की नीतीश सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि 20 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा पूरा करेगी। बीजेपी नेता मोदी ने कहा कि 17वीं विधानसभा के गठन की शुरुआत में ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने जेल से फोन कर बीजेपी विधायक को तोड़ने की कोशिश कर अपनी पार्टी और विपक्ष की नीयत में खोट जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा कि सोमवार को आरजेडी की समीक्षा बैठक में मध्यावधि चुनाव का सिगुफा छोड़ना उनकी बदनीयति के विस्तार और लोकतंत्र पर अविश्वास की संपुष्टि। बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ बिहार शरीफ में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने परिवादवाद दायर किया है। आरएलएसपी नेता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता का आरोप है कि कंगना रनौत ने आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के चुनावी सभा की तस्वीर पर आपत्तिजनक स्लोगन को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बीजेपी नेता और पथ निर्माण एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि एनडीए सरकार तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शायद ही अपना कार्यकाल प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनके दल में बगावत की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने में नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की परवाह करें। अच्छा रहेगा कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के मुगालते में नहीं रहें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आरजेडी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कोई राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कोई बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने की वजह कांग्रेस को बता रहा है। ऐसे बयानों से नाराज कांग्रेस के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। पार्टी के प्रवक्ता हरखू झा ने आरजेडी को चेतावनी दी है कि अगर लालू तेजस्वी ने अपने नेताओं के बयान पर रोक नहीं लगाया तो गठबंधन धर्म संकट में पड़ सकता है। आरजेडी नेताओं के जुबानी हमलों से कांग्रेस लगातार आहत हो रही है। पहले शिवानंद तिवारी ने पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, वहीं अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के बेटे विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा की बेहतर स्थिति न होने की बात कबूली है। पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 15 सालों में बेहतर काम जरूर हुए हैं, लेकिन काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है। अशोक चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा की स्थिति अभी बेहतर नहीं है। उच्च शिक्षा में नामांकन 15% तक है, जिसमें 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं इस मकसद से नहीं कि पढ़ाई हो, बल्कि इस मकसद से कि किस तरह से कमाई हो। बिहार के बगहा के डैन मरवा गांव में अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल रामनगर गोवर्धन रघिया रेंज के डैन मरवा मुख्य सड़क पर अचानक अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम और पुलिस को इसकी सूचना दी। दहशत के बीच डैन मरवा गांव के कुछ युवकों ने उसे हिम्मत दिखाते हुए गमछी और बोरे में पकड़ लिया और फिर रामनगर थाना पहुंच गए। मामले की जानकारी रामनगर थाना के प्रभारी को दी गई, जिसके बाद
उनके द्वारा इस मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। घंटों बाद मौके पर पहुंचे रघिया वन क्षेत्र के कर्मी अजगर को सुरक्षित पकड़कर उसे अपने साथ जंगल में छोड़ने के लिए लेकर चले गए। पटना राजधानी में पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब इलाके से लुटेरी दुल्हन का मामला प्रकाश में आया है। यहां नई नवेली दुल्हन ने रात के सन्नाटे में मौका देखकर अपने ससुराल से जेवरात और नगद रुपए समेत अन्य कीमती सामान लेकर रातों रात फरार हो गई, जिसके बाद दुल्हन के खिलाफ पीड़ित ससुराल वालों ने इस घटना की लिखित शिकायत की। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब के पास रहने वाले राजेश राम ने अपने बेटे सुधीर कुमार की शादी बेगूसराय के रहने वाले संजय राउत की बेटी मोनी कुमारी के साथ बीते 29 नवंबर को की थी, जिसके बाद सुधीर और मोनी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन बीती रात लुटेरी दुल्हन ने अपने पति सुधीर और सास ससुर को सोते हुए छोड़कर जेवरात, नगद रुपए और कीमती सामान समेत 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,48,028 पहुंच गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें 2,41,935 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,730 है। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 497 नए मामले सामने आए। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 577 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में संक्रमितों के संक्रमण मुक्त होने की दर 97.54% है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 119,315 नमूनों की जाँच हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इस तरह राज्य में अब तक कुल 1,362 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए SDF न्यूज।